नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ डेलना जिरानी और मैं हूँ पर्सी करकरिया और आप हम दोनों को देख रहे हैं ओनली ऑन टेलीबाइट्स। सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर टेलीविजन अपडेट्स। मतलब प्यार, और मैं ये कहूँगी कि मुझे इतने सालों में बहुत सारा प्यार लोगों ने दिया है, मेरे फैंस ने, मेरे वेल विशर्स ने, और यही रीज़न है जो आपने अभी शुभकामनाएं दी कि 29 साल हो गए इंडस्ट्री में, टेलीविज़न में ख़ास तौर पे, और आज भी इतना बढ़िया शो कर रही हूँ जिसका नाम है कभी कभी इत्तेफाक से। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल और थैंकफुल आप सभी को, बिकॉज लोग हमेशा जब थोड़ा एक ब्रेक होता है तो हमेशा पूछते हैं आप कब दिखाई देने वाली है पर्दे पे, आप कब आने वाली है। तो यही लोगों का प्यार है, एंड ऑफ कोर्स इतना अच्छा प्यारा साथी हो जो हर मुकाम पे आपके साथ हो, हर स्टेप पे, हर लाइफ की हर क्या बोलते हैं, हर पड़ाव में आपके साथ हो, तो लाइफ ब्यूटीफुल होगी ही होगी। डेलनाज बहुत बहुत प्यारी इंसान है और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ एंड शादी करना चाहता हूँ, बट वो अभी पता नहीं कब होगी, बट होगी, बहुत जल्दी होगी। सो हम कोशिश पूरी जारी है मनाने की कि कर लो भाई शादी, देखते हैं। वेल हमारी लव स्टोरी इज़ जो है वो एकदम हटके है, आम लव स्टोरी की तरह नहीं है। मैंने उनको आई लव यू, विल यू बी माई गर्लफ्रेंड, क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड बनोगे, ये सब नहीं बोला है। हम मिले कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू एंड उसके बाद इनकी लाइफ में भी थोड़ा कुछ इश्यूज चल रहे थे, मेरी लाइफ में भी चल रहे थे, तो एक सपोर्ट सिस्टम हम एक पहले दोस्ती हुई, सपोर्ट सिस्टम हमारा साथ में हुआ एंड उसके बाद कहाँ प्यार हुआ एक दूसरे के साथ पता ही नहीं चला। हाँ, मैरिज के लिए प्रपोज किया है मैंने और काफ़ी बार किया है और करता रहूँगा जब तक ये हाँ नहीं बोलेगी। इन शॉर्ट हमारा लव ऐसा नहीं था कि जैसे एक कपल को यूजुअली यू नो यंग कपल जिसे कहते हैं 18-19 साल 20 साल जैसे क्रश होता है, फिर पहली नज़र में प्यार होना, घंटियाँ बजना, फिल्मी गाने चलने, ये सब हमारी ज़िंदगी में हो चुका था, इनकी ज़िंदगी में किसी और के साथ, मेरी ज़िंदगी में किसी और के साथ। लेकिन वो बोलते हैं ना कि शादी का लड्डू, अगर डेस्टिनी में कुछ चीज़ होनी होती है, अपने हमारे नसीब में हमें मिलना था, पहले से शायद ऊपर वाले ने लिखा था कि ये इतने साल के बाद ये मिलेंगे, इसलिए हमारी लव स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग बन जाती है, या मैं कहूँ तो इतनी हटके है, क्योंकि ये हमारा दूसरा प्यार है दोनों का। तो मैं कहूँगी कि यस, होता है लाइफ में हर किसी के साथ, ऐसा नहीं है मेरी लाइफ में ये हुआ है, बहुत सारी लेडीज़ के साथ शायद ये हुआ होगा। आई एम श्योर के Percy is not the only man who has fallen in love twice, but हुआ हमारे साथ ये, हमारी जर्नी ऐसे हुई कि हमें एक मुकाम पे साथ में आना ही था और हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़े, हमने अपनी जर्नी साथ में शुरू की एंड आज तक हम साथ है, लिव इन रिलेशनशिप में है, लेकिन हम खुश है, हम एक दूसरे के साथ बेहद खुश है और कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे एक मैरिड कपल साथ में रहते हैं वैसे ही हम हैं, सिर्फ हमें एक पेपर पे साइन करना बाकी है जो हम कर लेंगे। मैं हमेशा होश से काम लिया है मैंने लाइफ में, जोश से कभी नहीं, एंड मतलब जब लाइफ के उस मुकाम पे जब मेरी पहली शादी टूट भी रही थी
तो बहुत सोच विचार, इतने सालों की जद्दोजहद, उसके बाद एक आप रिश्ता टूटता है. इनकी लाइफ में भी वही हुआ. तो अगर दूसरी बार आप एक प्लंज लेना चाहते हो, आप दूसरी बार एक रिश्ते को बना, जैसे मैंने कहा कोई फ़र्क नहीं है, हम वैसे भी हस्बैंड वाइफ ही है, लेकिन मैं थोड़ी सी सुपरस्टिशियस हूँ कि कहीं हमने ये क्या बोलूँ, तो अगर साइन कर दिया पेपर या कुछ हो गया और कुछ गलत हुआ तो यू नो, वो थॉट से और मैं थोड़ी एस्ट्रोलॉजी में बहुत मानती हूँ, टैरो कार्ड में मानती हूँ, काफ़ी सारे पंडित लोगों ने भी कुछ कुछ ऐसा बोल दिया है, तो मैं डरी हुई हूँ एक्चुअली. फ्रैंकली आज पहली बार आप इतना फोर्स कर रहे हैं तो मैं बता रही हूँ कि मैं थोड़ी सी डरी हुई, नॉट पर्सी को लेकर, अपने अपने दिल की जो वो एक सुपरस्टिशन है या जो भी बोलो आप, या किसी ने मुझे बोला है कि नहीं आप जैसे हो वैसे ही रहो, एक दूसरे का साथ निभाओगे एंड तक, आप अच्छे हो जैसे हो वैसे ही रहो. तो आई जस्ट फील के हमें वही करना चाहिए. आगे पता नहीं, शायद हो भी और सब लोग को पता लग ही जाएगा, आपको भी पता लग जाएगा. मुझे बहुत अच्छा लगा पहले तो ये शो जब मेरे पास आया, तो काफ़ी टाइम से मैंने टेलीविज़न नहीं किया था, तो जब ये शो आया तो मैं बहुत मुझे ऐसा जो स्टोरी लाइन थी शो की मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि एक फैमिली शो है पहली बात. और टीवी पे यू नो, काफ़ी टाइम से हमने देखा है कि डेली शो बहुत टिपिकल हो जाते हैं, यू नो, कोई एक नेगेटिव कैरेक्टर होता है, कोई यू नो फैमिली में एक कॉमेडी वाला कोई इंसान होता है, एक नेगेटिव होता है, बहुत टिपिकल हो जाता है, बहुत मोनोटोनस हो जाता है व्यूअर्स के लिए भी, परफॉर्म करने वालों के लिए भी. लेकिन ये एक ऐसा शो आया जहाँ जब मैं थोड़ा सा सिनॉप्सिस और थोड़ा सा जो मुझे बताया गया, मुझे वो सारी फिल्में याद आ गई जो बासु चैटर्जी बनाते थे, ऋषिदा बनाते थे, ऋषिकेश मुखर्जी, जो हल्की फुल्की फैमिली नोक झोंक जो होते थे फैमिलीज़ में, हल्की फुल्की फिल्म्स थी. और मुझे ऐसा लगा कि ये शो वो जॉनर में है, एंड बहुत ही पॉपुलर एक शो है खोरकुतो, जो बंगाल में है. तो उस शो का रीमेक है एंड स्टार प्लस पे है, तो ऑब्वियसली एक विन विन सिचुएशन हो गई थी मेरे लिए कि सच अ गुड चैनल लाइक स्टार प्लस, माय प्रोडक्शन हाउस, जिनके साथ मैंने हाल ही में छोटी सरदारनी में एक कैमियो किया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कॉकरो एंड शायका के साथ काम करके, प्रोडक्शन के साथ काम करके, और हमारे जो पूरा टीम है उनके साथ काम करके. तो आई थिंक जब ये ऑफ़र आया तो मैं मना नहीं कर पाई. और मेरा रोल जो है गोली बुआ का, जो डेलनाज है वही गोली है. मैं भी रियल लाइफ में बुआ हूँ, मेरे 5 नेव्यूज़ नीसेज़ हैं जिनको मैं बहुत चाहती हूँ. रियल लाइफ में भी मेरी शादी नहीं है हुई है, और टीवी पे भी जो शो है उसमें भी मैं घर की सबसे चहीती बेटी हूँ. 3 भाइयों में सबसे प्रोटेक्टिव, सबसे मतलब वो मुझे इतना प्यार करते हैं 3 भाई, वैसी ही रियल लाइफ में भी मेरे 2 भाई हैं जो मुझे बेहद प्यार करते हैं, प्रोटेक्टिव है, पोजेसिव है मेरे लिए. एंड जैसे रियल लाइफ में मेरा चाहने वाला, मेरा प्यार करने वाला मेरे साथ है, स्क्रीन पे भी बहुत जल्द आने वाला है, तो वो भी एक ट्विस्ट होगा. तो गोली का कैरेक्टर बहुत ही प्यारा है, बहुत ही बढ़िया, और मैं खूब एंजॉय कर रही हूँ, एंड आई एम श्योर ऑडियंस भी एंजॉय कर रही है. मुझे पता है कि हमारा शो काफ़ी अप्रिशिएटेड है, 1 ही महीना हुआ है अभी टेलीकास्ट को, एंड काफ़ी हद तक लोगों ने पसंद किया है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. एंड आई जस्ट होप कि भगवान करे ये बहुत चले और चलता ही रहे, चलता ही रहे, चलता ही रहे, जैसे 7 साल, 9 साल, 10 साल बाकी सारे शोज की तरह. मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप वैलेंटाइंस डे का माहौल है, तो
आपके पार्टनर को आप बहुत बहुत सारा प्यार करें, उनको रिस्पेक्ट करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको सपोर्ट करें और सबसे ज़्यादा उनको समझे। वो बहुत 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 मेन होता है कि जब तक आप आपके पार्टनर को समझोगे नहीं तो आप प्यार नहीं कर पाओगे, प्यार नहीं कर पाओगे तो सपोर्ट नहीं कर पाओगे, तो आपको पहले उनको समझना है। यस, वेरी ट्रू। पर्सी ने बहुत सही बात की कि वैलेंटाइंस डे का मौका है और वैलेंटाइंस जस्ट डज नॉट मीन के बस गिफ्ट्स देते रहो, कहीं डिनर पे जाओ। वैलेंटाइन का पहला मतलब है प्यार, प्यार यानी रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट यानी केयर, केयर करो, अंडरस्टैंड करो एक दूसरे को, सपोर्ट करो हर चीज़ में। जैसे आज मैं अगर यू नो पूरे पूरे दिन शूट करती हूँ, पर्सी टोटली अंडरस्टैंड्स मी। कभी भी ऐसे मुझे लगा नहीं कि यू नो घर पे क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये पूरा संभाल लेते हैं। जब ये बिजी होते हैं तो मैं उनको सपोर्ट करती हूँ हर चीज़ में। तो यही लाइफ होती है एंड आई थिंक वी आर ब्लेस्ड टू हैव ईच अदर एंड एक दूसरे का साथ है, यही काफ़ी है। एंड आप लोगों को गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू। आपको भगवान खूब अच्छी सेहत दे, तरक्की करो आप खूब सारी, एंड मेरे सारे फैंस को ढेर सारा प्यार। और हाँ, हमारे इंस्टाग्राम रील्स देखते रहिए ज़रूर, क्योंकि हम वहाँ, वैसे तो हम दोनों काफ़ी सीरियस है लेकिन वहाँ हम बहुत हंसाते हैं, बहुत मस्ती भी करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं। तो प्लीज़ ज़रूर से देखिए और ये जो प्यार है ना वो बस देते रहिए।